बच्चों, अब जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि हम एज्वाइंट के एक वर्ग आयु ए के सहखंडज एज्वाइंट जिसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल कंसेप्ट पर आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर एक सूत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ब्रैकेट में एडज्वाइंट ऑफ ए और ब्रैकेट के बाहर डैश है, इसका मतलब परिवर्त आयु, ट्रांसपोस। इसको कैसे पढ़ेंगे? एडज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोस यानी परिवर्त आयु क्या होगा? तो बराबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एडज्वाइंट ऑफ ए डैश, जो ब्रैकेट के बाहर डैश था वो अब एडज्वाइंट ऑफ ए डैश यानी ए का परिवर्त आयु का हम एडज्वाइंट निकालेंगे उसके बराबर होगा। जहां ए डैश जो है वर्ग आयु ए का परिवर्त आयु, ट्रांसपोस मैट्रिक्स है। तो फंडामेंटल नंबर एक सूत्र क्लियर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और आप इसको समझ भी गए होंगे कि यदि मैं किसी मैट्रिक्स के एडज्वाइंट का परिवर्त आयु निकालूंगा तो हम उस मैट्रिक्स के परिवर्त आयु यानी एडेस का एडज्वाइंट निकालूंगा तो उसके बराबर होगा। यानी हम सूत्र एक में पढ़ रहे हैं कि इन ब्रैकेट एडज्वाइंट ऑफ ए होल डैश इज इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए डैश, जो फंडामेंटल सूत्र के रूप में हम समझे, एक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब बच्चों, फंडामेंटल कंसेप्ट में सहखंडज एडज्वाइंट के रूप में मैं बात कहूंगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए, दो लाइन खड़ी लाइन के बीच में एडज्वाइंट ऑफ ए लिखा है, बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की घात एन माइनस वन है। सूत्र नंबर दो ध्यान से देखिए बच्चों कि डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट की घात एन माइनस वन होगी। ये यहां एन क्या है और डिटरमिनेंट ए क्या है? तो जहां डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, तथा ए जो है आयु वो एन कोटि का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है। तो सूत्र नंबर दो भी आपको स्पष्ट हो गया होगा बच्चों, मैं उसको पुनः पढ़ दे रहा हूं। डिटरमिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। और थर्ड सूत्र आप फिर से ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आपको काफी काम आएगा, आपको लेंदी कैलकुलेशन से बचाएगा। फंडामेंटल नंबर दो तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और फंडामेंटल नंबर तीन जो है, जो सूत्र के रूप में आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए, इसको हम हूबहू स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है उसको पढ़ूं तो एडज्वाइंट इन ब्रैकेट एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए की घात एन माइनस वन इंटू ए। ए मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ए कांस्टेंट है, उसकी घात एन माइनस टू है। जहां डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है और ए जो है वो एन कोटि का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है, ये आप ध्यान रखेंगे तीसरे सूत्र में भी। तीसरे सूत्र को पुनः मैं स्क्रीन पर दिखाते हुए आपको समझा रहा हूं, एडज्वाइंट इन ब्रैकेट एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, जहां डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है और ए जो है एन कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है। चौथे सूत्र पर आप पुनः ध्यान दें, इसी एडज्वाइंट ऑफ ए यानी एडज्वाइंट ऑफ इन ब्रैकेट एडज्वाइंट ऑफ ए का यदि मैं डिटरमिनेंट निकालूं, जो तीसरे सूत्र में जो दिखाया गया है
उसका ये मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो मैट्रिक्स नहीं होगा, बराबर होगा वो डिटरमिनेंट ए की घात एन माइनस वन की घात दो। चौथे सूत्र पर ध्यान दीजिए बच्चों, तीसरे सूत्र में ध्यान दीजिए। तीसरे सूत्र में एडजॉइंट ऑफ ए है जो मैट्रिक्स होगा, जबकि चौथे सूत्र में इसी एडजॉइंट ऑफ ए का मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो वो बराबर है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन की घात दो, जहां डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। और पुनः कहूंगा कि ए जो है एन कोटि का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और पांचवे सूत्र में, पांचवे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूं, आप ध्यान से ध्यान रखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स का यदि मैं एडजॉइंट निकालूंगा, उसका सहखंड निकालूंगा, तो वो भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, भले ही अवयव अलग होंगे, उसमें कोफैक्टर्स होंगे, वो दो ऑर्डर का भी हो सकता है, तीन ऑर्डर का भी हो सकता है, और उसके बाकी मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, कांस्टेंट होंगे, और उसके कोफैक्टर्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो जीरो होंगे। तो यहां पर पांचवे कंसेप्ट में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। किसी मुख्य विकर्ण आयु का यदि मैं सहखंडज निकालूं, तो वह भी विकर्ण आयु होगा, हिंदी में मैं कहूंगा कि एक विकर्ण आयु का सहखंडज भी एक विकर्ण आयु होता है। छठवें कंसेप्ट में आप ध्यान रखेंगे, जिसका उपयोग हम प्रश्नों में बहुत कर रहे हैं, आप प्रश्न भी देख रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इन ब्रैकेट ए डी जे ऑफ ए लिखा हूं मैं, इंटू ए बराबर होता है ए इंटू इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई, जहां डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है। और पुनः कहूंगा कि ए जो है एन कोटि का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सूत्र छठवां सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आप ध्यान पर देखें, स्क्रीन पर ध्यान से देखें, ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू, उल्टा कर दिया जाए, इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। उक्त छह जो महत्वपूर्ण तत्व को आप विशेष रूप से समझें और ध्यान में रखें, जो जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा, और बोर्ड के सवालों को भी जो लेंथी प्रोसेस से बन सकते हैं, वो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए उपयोगी होगा। जैसे कि प्रश्न नंबर 6 में आप ध्यान से देखिए कि प्रश्न नंबर 6 में हमने आपको पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये जो 6 महत्वपूर्ण तथ्य हमने बताए, उसमें से जो फार्मूला है वो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि एडजॉइंट फार्मूला नंबर 3 फंडामेंटल कंसेप्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन नंबर 6 में उपयोग में हम ला रहे हैं। इसमें आपको बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको 9 कोफैक्टर्स करना पड़ता, एडजॉइंट ऑफ ए के 9 कोफैक्टर्स करना पड़ता, क्योंकि वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 6 में, और आपको फिर उस 9 कोफैक्टर के फिर से एक एडजॉइंट ऑफ ए मिलता, उसके 9 कोफैक्टर करना पड़ता, इस तरह से आपको 18 कोफैक्टर्स आपको ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ ध्यान दे रहे होंगे आप कि समीकरण नंबर 2 का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए,
के उपयोग से एडजॉइंट ए ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आप साथ साथ ये भी देख रहे होंगे कि ऊपर से एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने में हमें काफी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो इस तथ्य से आप काफी भिज्ञ हो गए होंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का सूत्र डिटरमिनेंट ए की घात n माइनस टू इंटू ए काफी महत्वपूर्ण हुआ, जो हमको लेंदी कैलकुलेशन से बचा रहा है। इसी तरह से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो तथ्य नंबर दो है, सूत्र नंबर दो है, जो आपको छह सूत्र मैंने ऊपर बताए, उसमें डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन के प्रमाण को उसके प्रूफ को हम प्रश्न नंबर सात में समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये जो तथ्य है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन है, जहां डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है और ए जो है एन कोटि का ऑर्डर का वर्ग आयु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम प्रश्न नंबर सात में समझने का प्रयास करते हैं। इसके प्रमाण को हम क्वेश्चन नंबर सेवन के जरिए प्रूफ करके देखेंगे। तो आपको ये सीधे कैसे आया, किस प्रकार की मालूमात इसमें रखी गई है, उसको आप क्वेश्चन नंबर सात में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर छह भी सहखंडज एडजॉइंट पर आधारित प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न में का रूप आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। यदि ए बराबर रो वन में माइनस थ्री माइनस थ्री फोर है, रो टू में टू माइनस थ्री फोर है और रो थ्री में जीरो माइनस वन वन है, यानी ए बराबर रो वन में थ्री माइनस थ्री फोर, रो टू में के अवयव है दो ऋण तीन चार और रो थ्री में जीरो ऋण एक एक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। ए डी जे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट का एडजॉइंट हमें ज्ञात करना है। ये भी मूलभूत सिद्धांत में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपको इसका सूत्र बताया गया है। उस सूत्र का इस्तेमाल करने से इसका कैलकुलेशन आसान होगा। बच्चों, अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम इस वीडियो में मैक्सिमम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिफरेंट वैरायटी वाले क्वेश्चंस को कराया जाए, एक प्रकार का एक ही प्रश्न रहे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो मैं एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर छः करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर छः की खासियत यह है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, वो 3x3 ऑर्डर का है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दिया है, वो है 3-3-4 और 2-3-4, इसके अलावा और एलिमेंट है 0-1-1। ये 3x3 ऑर्डर का कोटि का क्रम का एक आयु है, मैट्रिक्स है। और प्रश्न ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने कह रहा है। अभी आपने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू निकालनी थी, जिसको हमने डिटरमिनेंट ए, आपने अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर फाइव में देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए का यदि हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। ये एक नया फार्मूला हुआ, नया तर्क हुआ बच्चों, कि इसमें ए का डबल एडजॉइंट निकालने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से हमें इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए
कि हम जानते हैं, एग्जाम में आप लिखेंगे हम जानते हैं, बोर्ड में यदि ये सवाल पूछा गया तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू घात में होगा इनटू ए। ये फार्मूला नंबर दो आप ध्यान रखेंगे। यहां ये जो सूत्र है वो जनरलाइज फॉर्म में मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। इसमें जो डिटरमिनेंट है, जहां डिटरमिनेंट ए जो है वो जीरो नहीं है, और साथ ही साथ डिटरमिनेंट ए जो है, ए मैट्रिक्स जो है एन कोटि का, एन ऑर्डर का वर्ग आयु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये फार्मूला उस समय का है, लेकिन यहां एन की वैल्यू क्लियर दिख रही है, तीन है। समीकरण नंबर एक में आप देखिए, समीकरण एक से देखिए आप ध्यान से कि एन की वैल्यू तीन है। तो निश्चित रूप से ये जो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो वो होगा डिटरमिनेंट ए की पावर तीन माइनस दो इंटू ए। ए मैट्रिक्स समीकरण नंबर एक में दिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वो है डिटरमिनेंट ए की पावर तीन में से एक गया, तीन में से दो गया तो एक आएगा, तो वो आप चाहो तो पावर में एक लिख दो या डिटरमिनेंट ए की घात एक लिख दो और इनटू ए। तो सवाल ही नहीं उठता कि इस प्रश्न में हमें डबल एडजॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये डिटरमिनेंट ए इनटू ए है, तो समीकरण नंबर एक से हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लें। समीकरण नंबर एक से ए का सारणिक निकाल लें, वो तो आयु है, ये मैट्रिक्स है, तो इसका सारणिक होगा 3 - 3 - 4 - 2 - 3 - 4 0 - 1 - 1। अब इसके कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 3 × 3 को हम छुपाएंगे, हिंदी का 4 बनाएंगे तो 3 × 3 = 3 और 4 × 4 ऋण धन 4 और ऋण ऑलरेडी फार्मूले में है और -3 एलिमेंट में है, और इसको जब हम छुपाएंगे तो 2 × 2 चार का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 - 0। फिर से देख लीजिए, 2 × 2 -4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 - 0 और +4 फर्स्ट रो का आखिरी एलिमेंट 4, ये 4 है, इसको यदि हम छुपाएंगे तो 2 × 2 -2 और ये देखिए ध्यान से 2 × 2 इसको मैंने छुपा दिया, 2 × 2 -2 -0। तो इस तरह से डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 3 × 4 में से 3 गया 1 धनात्मक आएगा, ऋण धन ये देखिए ऋण धन 3 × 6 कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे बच्चों, और 4 × 8 और धन ऋण 8। तो डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है 3 + 6 - 8 यानी 9, 6 और 3 - 9 धनात्मक संख्या को जोड़ लीजिए, 9 - 8 यानी ये वैल्यू 1 मिली, इसलिए हम कहेंगे
कि डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 1 है, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह दें। समीकरण नंबर 3 और जो रिजल्ट मिल रहा है वो आप इसको 4 कह दें। और इस समीकरण नंबर 4 में हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू रख देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, 1 into A मिल रही है। समीकरण नंबर 4 में हम समीकरण नंबर 3 से प्राप्त डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो ये रिजल्ट है A। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल रिजल्ट बच्चों आप देखने जा रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A है, और A यानी समीकरण नंबर 1 पर आप ध्यान दीजिए, उसी की नकल करेंगे वही उसका आंसर होगा। फर्स्ट रो में ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, उसकी एज इट इज नकल करेंगे 2-3-4 और 0-1-1, यही बच्चों इसका फाइनल आंसर है। इस फॉर्मूले के उपयोग से आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते तो 9 कोफैक्टर निकालना पड़ता एक के लिए, फिर जो एडजॉइंट मिलता उसके 9 कोफैक्टर निकालते, तब जाके डबल एडजॉइंट सहखंडज जिसको हिंदी में कहते हैं मिलता, जो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होता। इस सूत्र को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, जो सूत्र नंबर 2 है, इसमें स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, और ये ए जो है एन कोटि का ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है, जिसका फार्मूला है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस 2 इंटू ए, और यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर का यानी कोटि 3 है, तो एन का मान 3 इस सूत्र में रखकर हमने बहुत इजीली डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 कैलकुलेट करके, और इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 रखी और इंटू ए मिला, और जो रिजल्ट हमको फाइनल देखने में आ रहा है बहुत आसानी से, कम कैलकुलेशन से, शॉर्टकट कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 7 मिनट बचा है, खत्म होगा कि क्लोज करें? एक हो जाएगा, 7 मिनट में कंप्लीट, कंटिन्यू।